नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के सफाई कर्मियों ने मंगलवार को फिर बस स्टैंड के समीप कंपनी के गेट के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अपने बकाए वेतन की मांग की। इस दौरान इन्होंने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों और आकांक्षा प्रबंधन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि बीते शनिवार तक सभी को पेमेंट कर दिया जाएगा, पर अभी तक बकाए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। कहा कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी उनका बकाया वेतन नहीं मिला है और अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। वेतन नहीं मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाने से उनके पढ़ाई में भी परेशानी हो रही है। राशन की दुकान में बकाया होने के कारण राशन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण भूखे रहने की नौबत आ गई है। हम लोग जितना सफाई कर्मी आकांक्षा कंपनी नगर निगम के थ्रू आकांक्षा कंपनी आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग सफाई कर्मी हैं और हम लोग का वेतन आज 2 महीना से नहीं मिला, 3रा महीना चढ़ चुका है, जिससे राशन वाला हम लोग का राशन नहीं दे रहा है। हम लोग स्थिति इतना दयनीय हो गया कि हम लोग भूख के मारे कर्मचारी लोग परेशान। हम बोलना चाहते हैं ये भारत देश है और भारत देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उसका स्वच्छ अभियान चलाने का वो किए थे काम, और हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको सफाई को लेकर के बहुत अथित है, पर ये आकांक्षा प्रबंधक और नगर निगम इसको चौपट करके रखा है। हम चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह मजदूर जिस तरह से हम लोग काम करते हैं हम लोग सही टाइम पर वेतन दीजिए, जिससे हमारा पेट चले, मेरा बाल बच्चा का पेट चले, जिसके पढ़ाई हम अच्छा से करा सकें। पर ये लोग का लापरवाही से आज हम लोग भूखे के तरगाह पर आ गए हैं। हम लोग की स्थिति इतना दयनीय हो गया कि हम लोग आज दर दर भटक रहे हैं, पर हम लोग सुनने वाला कोई नहीं है। 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, हम लोग अपना वेतन मांग रहे हैं, उसके लिए मंगल बुध जुमेरात करते करते ये आज तक न आता है न पैसा ही देता है, तो हम लोग को वही पैसा चाहिए। और यहाँ नगर निगम से आए थे कर्मचारी अफसर लोग अधिकारी लोग, वो बोले थे कि हम शनिवार को पैसा दे देंगे, नहीं तो सोमवार को पैसा हर हाल में घुस जाएगा। उसका बात पर हम लोग गाड़ी भी निकाल दिए, लेकिन वो भी फैल हो गया है, उसका माध्यम से कोई पैसा उसे नहीं आया है। और अभी आकर के ही बोलता है 10 तारीख को पैसा देंगे, क्या गारंटी है कि 10 तारीख को पैसा हम लोग को मिलेगा। इसलिए हम लोग ये बंद किए हैं और हड़ताल किए हैं। फुटवेयर की देश की सबसे पुरानी और अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है कोर्ट रोड स्थित पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहां महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए नए जमाने के फैंसी और मजबूत जूते, चप्पल व सैंडल का हैवी कलेक्शन मौजूद है। बाटा के इस भव्य शोरूम में लेदर शू, स्पोर्ट्स शू, ऑल टाइप ऑफ स्कूल शू, पीटी शू, डॉक्टर सोल, कैनवस शूज, स्नीकर, स्लीपर, सैंडल, किड्स बबल गमर्स के अलावा पॉलिश, साइनर, बेल्ट, पर्स, लेडीज हैंडबैग, सॉक्स वगैरह उपलब्ध है। फुटवेयर में इंडिया के बेस्ट सेलर ब्रांड बाटा के मजबूत और किफायती जूते, चप्पल और सैंडल खरीदने के लिए पूरे परिवार के साथ पधारे। पता याद रखें, बाटा एक्सक्लूसिव शोरूम पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने कोर्ट रोड गिरिडीह।